पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, कैसे होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सबसे पहले जानेंगे ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त ईसी नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पारित हुआ। बता दें कि भारत सरकार ने इस वर्ष यह विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, जो संसद पारित नहीं हो सका था। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह विधेयक पारित होने पर भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मार्गदर्शन करेगा। चलिए अब जानते हैं सीईसी और ईसी विधेयक 2023। यह विधेयक इस साल भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। यह निर्वाचन आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। 1991 के अधिनियम में प्रावधान है कि ईसी का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। इसमें प्रावधान है कि सीईसी और अन्य ईसी का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। साथ ही इन पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति की स्थापना का प्रस्ताव है। इस खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सचिव के पद से नीचे के 2 सदस्य भी शामिल होंगे, जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा। हालांकि यह विधेयक कुछ बिंदुओं पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते पारित नहीं हो सका, इसलिए भारत सरकार ने इसे कुछ संशोधनों के साथ दोबारा पेश करने का निर्णय लिया है। चलिए अब देखते हैं विधेयक में प्रमुख संशोधन। भारत सरकार ने सीईसी और अन्य ईसी का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर बरकरार रखने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिव के स्थान पर अब केंद्रीय कानून मंत्री खोज समिति की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान आदेश देते हैं तो अदालत उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं वर्तमान में सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया परिभाषित नहीं है। संविधान के भाग 15 में 5 अनुच्छेद 324 से 329 हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संविधान के भाग 15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निर्वाचन से संबंधित है। 2. संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।